वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स ये देखिए, तो मैं आज आपको बेबी स्वेटर बनाना बताऊंगी जो गले से फांद के बनता है बेबी बॉय का। तो ये देखिए मैंने दो कलर के वुल लिए हैं, ये तो मैंने वोसवाल का लिया है, वुल लिया है ये 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है, 10 नंबर की। और ये देखिए मैंने सीजर रखी है और ये एक राउंड वाली सिलाई ली है, सर्किल वाली। तो फ्रेंड्स आ जाइए, हम अभी आपको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने सिलाई में फंदे डाले हैं, पूरे 82 फंदे हमने सिलाई में डाले हैं। तो फ्रेंड्स ये 2 से 3 साल के बच्चे का आराम से आ जाएगा। ये मैंने सिलाई में फंदे डाले 82, तो 82 फंदे डालेंगे, इसके बाद हम बॉर्डर बनाना बताते हैं। तो ये हमारी पहली सिलाई है, पहले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, दूसरे फंदे को हम सीधा बुनेंगे, धागे को आगे करेंगे, फिर हम उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, फिर हम सीधा बुनेंगे। मतलब एक फंदा उल्टा बुने, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। तो इसी प्रकार से हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, एक उल्टा एक सीधा। अब ये देखिए सेकेंड रो, सेकेंड रो हम क्या करेंगे, पहले फंदे को स्लिप किया, उतार लिया, इसके बाद हम सारे फंदे को ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे। पहले फंदे में मैंने एक फंदा, पहली सिलाई एक फंदा, एक उल्टा एक सीधा फंदा, इस प्रकार से बुना। अब ये दूसरी सिलाई है हमारी, तो इस तरफ हम क्या करेंगे, पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए थर्ड रो, थर्ड रो हम जैसे फर्स्ट रो बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। पहले फंदे को स्लिप किया, फिर धागे को पीछे किया, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, जैसे हमने पहले ही बॉर्डर को बनाया था। तो इस प्रकार से हमारी ये थर्ड रो बनेगी, यहाँ तक हम बुन के ले आएंगे। 5 फंदा हमारा बचा हुआ रहेगा, तभी हम आपको यहाँ काज बनाना बताएँगे। तो ये देखिए यहाँ तक हम बुनते हुए आ गए, अब हमारा इस सिलाई में बचा हुआ है 5 फंदे। तो क्या करेंगे हम, यहाँ बटन होल यानी हम यहाँ काज बताएंगे जहाँ। ये देखिए ये सीधे की तरफ हमारा लास्ट में बनेगा, तीसरी रो है हमारी ये तीसरी सिलाई। तो देखिए धागे को आगे करेंगे, दोनों फंदे को एक साथ हम बुन लेंगे, ये हो गई। अब ये देखिए मेरी जाली जैसी पड़ गई, यहाँ हम बटन आसानी से डाल लेंगे। जो बचा हुआ फंदा है फिर हम ऐसे जैसे बॉर्डर बुनते हैं ऐसे ही बुन लेंगे। तो ये हमारी तीसरी सिलाई हो गई। अब देखिए चौथी सिलाई हम पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे, उल्टे की तरफ वैसे भी उल्टा ही उल्टा बुन रहे हैं। तो ये देखिए पांचवी सिलाई, चौथी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब पांचवी में भी हम बॉर्डर ही बुनेंगे, वही एक फंदा उल्टा एक सीधा जैसे मैंने आपको बताया है सीधे की तरह। तो ये देखिए हमारी पाँचवीं सिलाई भी कम्प्लीट हो गई। तो ये देखिए हमारा बटन होल दिख रहा है। तो अब हम आपको इसमें फंदा बढ़ाना बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए पहले फंदे को हम सिर्फ 82 फंदे हमारे पूरी सिलाई में हैं, अब इसके बाद हमें फंदे बढ़ाने हैं, पूरी सिलाई में 10 फंदे बढ़ाने हैं यानी 92 हो जाएगा, 92 फंदे। तो ये देखिए 3 फंदे बुने, 4 फंदे बुने, 5 फंदे बुने, सॉरी 4 फंदे बुने। तो अब देखिए हम फंदा यहाँ इसको बुनेंगे, देख लीजिएगा यहाँ ध्यान से, ये इसको बुने हम, इसके बाद इसको बुने, एक फंदा हमारा बढ़ गया। तो फिर हम ऐसे ही 7 फंदे बुनेंगे, देखिए 4, 5, 6, 7, फिर हम वही करेंगे, यहाँ से एक फंदा बुनेंगे, ये फिर इसको बुनेंगे। तो 2 फंदा, एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ा, एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ा। तो ऐसे करके पूरी सिलाई में हमको 10 फंदे बढ़ाने हैं। तो ये देखिए हमने फंदे बढ़ा लिए, अब हमारा टोटल फंदा हो गया 92, 92 फंदे पूरी सिलाई में हमारे हो गए। अब यहाँ से हम आपको डिवाइड करना बताएंगे, आगे का पीछे का प्लस बाजू कैसे हम डिवाइड करेंगे, अभी आपको डिवाइड करके
बताते हैं, मार्क लगा ले, डिवाइड कर ले, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मार्क लगा लिया है, निशान लगा लिया है, तो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मैंने 5 फंदे लिए, फिर निशान लगाया, 2, 4, 1, 5, 5 फंदे लिए, फिर निशान लगाया, फिर मैंने 15 फंदे लिए, 15 फंदे बाजू के लिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, फिर मैंने 2 फंदे पर निशान लगाया, 2 फंदे पर, फिर इसके बाद मैंने 15, पहले 5 फंदे, फिर 15 फंदे, फिर 2 फंदे, 2 फंदे के बाद फिर हमने 25 फंदे, 25 फंदे, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 25 फंदे, ये हमारे बैक साइड का, पीछे साइड का। और इसके बाद फिर मैंने 2 फंदे पर मार्क लगाया, निशान लगाया, ये देखिए 2 फंदा, 2 फंदे के बाद फिर हमारा बाजू का आ गया 15 फंदे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, फिर हमारा 2 फंदा आ गया। इसके बाद ये देखिए हमारा फ्रंट का आ गया 21 फंदे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 21 फंदे, मतलब 21 फंदे। इसके बाद लास्ट का हमारा 5 फंदा बचा हुआ है। तो फिर से एक बार आप देख लीजिए, पहले हमारा 5 फंदा है, फिर हमने निशान लगाया, फिर हमारा 15 फंदा है, फिर मैंने 2 फंदे पर निशान लगाया, फिर हमारा 25 फंदा है, फिर मैं 2 फंदे पर निशान लगाया, फिर हमारा 15 फंदा है, फिर हम 2 फंदे पर निशान लगाए, फिर हमारा 21 फंदा है, इसके बाद हम 5 फंदे पर निशान लगाए हैं। तो आइए बनाना बताते हैं आपको। तो देखिए पहले तो 5 फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे जैसे बॉर्डर बुनते हैं। तो पहले को स्लिप किया, दूसरे को सीधा बुना, फिर आगे उल्टा सीधा, ये 5 फंदा पहले हम बुन लेंगे। तो 5 फंदा हो गया। इसके बाद देखिए फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर एक जाली बनानी है, सीधा फंदा बुनना है, बढ़ाना है। हम इसमें डिज़ाइन नहीं डाल रहे हैं, सीधा ही बनाएंगे, आप चाहो तो अपने हिसाब से डिज़ाइन भी डाल सकते हो। इसको हटाएंगे, धागे को हम आगे ही रखेंगे, फिर सीधा बुनेंगे, ये देखिए, फिर यहाँ पे हमारी जाली पड़ जाएगी और एक फंदा बढ़ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, एक फंदा तो बुन लिए, फिर 14 फंदा बुनेंगे। ये देखिए हो गया। इसके बाद जो 2 फंदा पर हम निशान लगाए हैं, ये देखिए, तो इसको क्या करेंगे हम, पीछे करेंगे, यहाँ पर एक जाली बनाएंगे, तो धागे को आगे करेंगे, एक जाली बनाए, फिर एक सीधा बुने, ये फिर धागे को आगे करेंगे, फिर एक जाली बनेगा, ये हो गया। फिर हम यहाँ तक बुनेंगे, यहाँ तक फिर से जाली बनाएंगे, तो ये देखिए फिर हम 2 फंदे के निशान पे आ गए, तो धागे को आगे करेंगे, फिर से जाली बुनेंगे, फिर ये वाला फंदा बुनेंगे, फिर धागे को आगे करके फिर सीधा बुनेंगे, फिर हम यहाँ निशान तक आएंगे, फिर यहाँ तक हम बुनते हुए आएंगे, हो गया। फिर हम ऐसा ही करेंगे, फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे, ये फिर इसको सीधा बुनेंगे, इसको निकाल देंगे, फिर एक जाली बनाएंगे, फिर पूरे फंदे को सीधा बुनेंगे यहाँ तक,
ये देखिए हो गया। फिर से एक जाली हम यहाँ बनाएंगे, ये तो यहाँ जैसे बॉर्डर बना रहे हैं उल्टा सीधा वैसे ही बुनेंगे। तो ये देखिए एक इधर उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा, तो ये देखिए यहाँ हम लपेट के फिर से उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा फिर उल्टा फिर सीधा और फिर उल्टा। तो इधर हम सब सिंपल ही बुने हैं, तो उल्टे की तरफ तो हम बॉर्डर भी उल्टा ही बुने हैं, तो उल्टे की तरफ हमारी पूरी रो सारी सिलाई ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए और ये जाली को हम ऐसे ही बुन लेंगे। तो इसी प्रकार से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट होती है, हो गई उल्टे की तरफ हमारा पूरा उल्टा ही उल्टा कंप्लीट हो गया। तो एक सिलाई हम आपको और बता देते हैं। तो ये पहले फंदे को स्लिप किया और दूसरे फंदे को सीधा, मतलब पांच फंदा तो हम ऐसे ही बॉर्डर बुनेंगे। ये पांच फंदा हो गया। इसके बाद देखिए धागे को हम ऐसे ही रखेंगे, इसके बाद सीधा बुनेंगे, हमारा ये जाली बन गया। फिर जहाँ तक जाली बना हुआ है वहाँ तक हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए तो ये हमारा दो फंदा हुआ जो जिसको हम बराबर में डाले थे, तो बीच का दो फंदा हम तीन बार डिवाइड किए हैं। तो ये देखिए ये हमारी जाली है, तो जाली को हम बुन लेंगे, हमेशा जाली को हम बुन लेंगे, इसके बाद ही हम जाली डालेंगे। ये फिर दो फंदा ये बुन लिए, इसको बुन लिए, इसके बाद फिर आगे करेंगे और ये जाली बुन लिए। ये देखिए हो गया। तो ऐसे बुनने से क्या होगा, ये देखिए जाली हमारी ये दोनों फंदों के एक इधर और एक इधर, ऐसे ही पूरी जाली हमारी हर जाली में ऐसे ही पड़नी चाहिए। ये जो दो बीच वाला फंदा जो हमारा दो ये ऐसे ही चली जाएगी, तो इसके एक इधर जाली पड़ेगी और इसके एक इधर, मतलब एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। वो उल्टे तरफ क्या करेंगे, उल्टे तरफ हमारी पूरी रो ऐसे ही उल्टी उल्टी बनेगी। तो देखिए हो गया। एक बार आप और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जाली तो देखिए दोस्तों हम बना लिए जैसे ही हम बनाए हैं बॉर्डर छोड़ के। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये सीधे की तरफ जो हम काज बना रहे हैं तो आप चाहे तो उस पर बनाओ या आप ना भी इस पर बनाओ, तो जो हमारी ये जाली जाएगी किनारे से इसमें हम बटन डाल सकते हैं। और अगर आप स्टप बनाना चाहो तो तीन फंदे के बाद भी जैसे मैंने पहले आपको बताया यहाँ बना सकते हो, और ना भी बनाओगे तब भी चलेगा क्योंकि ये जाली हमारी जो बॉर्डर के पहले पड़ रही है इसमें भी हम बटन को डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए बॉर्डर तो मैंने छः सिलाई बुने, इसके बाद आपको बताया डिवाइड करना। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से बॉर्डर बढ़ाने के बाद छः सिलाई के बाद इसके बाद हमको 36 सिलाई बुनने हैं, 36 रो पूरा ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए हो गया हमारा पूरा रो बन के कम्प्लीट हो गया। आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए एक जाली इधर, दो, तीन, एक इधर किनारे और एक इधर। तो हमने पूरे यहाँ से 36 सिलाई बिने हैं, 36 रो पूरा कंप्लीट कर लिया। अब पूरा 36 रो कंप्लीट करने के बाद हमारा टोटल फंदा हो गया 236 टोटल फंदे। अब इसको क्या करेंगे, हम पूरा राउंड वाली सिलाई में हम इस सारे फंदे को उतार लेंगे, उतार लेंगे यहाँ तक हम उतार लेंगे, पांच फंदा छोड़ के बाकी सारे फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे सिलाई में फंदे उतार लिए, ये देखिए तो हमारा बहुत आसानी से आ जाता है। अगर आपके पास ये सिलाई ना हो तो आप गले की जो चार सिलाई मिलती है आप उसको भी
यूज कर सकते हो। एक वीडियो में मैंने बताया भी है आपको, तो ये देखिए अब इसे क्या करेंगे हम, ऐसे ही ये घुमा लेंगे, ये देख सकते हो आप, आराम से हो गया। अब ये जो बचा हुआ पांच फंदा है हमारा काज बटन का, अब ये देखिए इसको हम ऐसे बुन लेंगे, ये देखिए। अब यहाँ हमको जोड़ना है, तब क्या करेंगे ये पांच फंदा हम एक साथ बुने, एक पहली वाली सिलाई से एक दूसरी वाली सिलाई से सीधा ही बुनना है। देखिए ये हो गई, दोनों को हम उतार देंगे, ये देखिए। फिर वैसे करेंगे एक, ये फिर से हम वैसे ही करेंगे, दो फंदा हो गया, अब एक फंदा और देखिए, ये तीन, तीन एक चार, चार एक ये पांच, तो पांच फंदा हो गया हमारा। ये देखिए ये हमारा जो है ये बटन और कांच का हमारा ऐसे ही जुड़ जाएगा इधर। तब क्या करेंगे अब, ये देखिए अब तो हमारा ऐसे ही एक ही राउंड चलेगा, उल्टे की तरफ तो हमको बुनना नहीं है, सीधे की तरफ ही हमारी सारी सिलाई बुनेगी। तो हम क्या करेंगे ऐसे ही बुनेंगे, जाली ले लिए, जैसे एक सिलाई में जाली बनना है एक सिलाई में, तो इसमें तो देखिए हमारा बना है, पिछले साइड उल्टा हम बुने हैं, इस बार हमको बनाना है, ये देखिए बन गई। अब इसके बाद पूरी रो को हम ऐसे ही सीधा सीधा बुन लेंगे, ये देखिए हम जाली तक आ गए। तो ये देखिए जैसे हम हर बार बुनते थे वैसे ही हमको बुनना है, ये वाली जाली है तो इसको बुन लिए, इसके बाद धागे को आगे करेंगे, फिर दो फंदा सीधा, फिर धागे को आगे करेंगे, ये वाला जाली हो गई। तो ऐसे ऐसे ही हमको सारी रो कंप्लीट करनी है, यहाँ तक यहाँ आ जाए फिर हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ तक पूरी सिलाई बिन के कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ देखिए जहाँ हमने फंदे को ये काज बटन को जॉइन किया है, बटन होल को, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ तो मेरी एक जाली बनी है, जाली को वैसे ही बुनना है आगे की, ये एक दो तीन चार, ये देखिए। अब इसके बाद ये चार फंदे हमारे सीधे हो गए, इसके बाद हमको यहाँ पे जाली बुननी है। तो ये जाली जो है हमारी इधर से भी बनती आएगी, इधर जैसे वहाँ तो क्या था एक इधर बना था एक, अब ये हमारा जॉइंट हो गया है, तब इस जाली को हम इस साइड बनाएंगे, फिर तीन चार फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर एक जाली हम यहाँ बुनेंगे, ये देखिए, और इस दो फंदे को एक साथ बुन लेंगे, ये अब क्या हुई जाली हमारी ऐसे ही, ये देखिए पड़ती हुई चली जाएगी। तो अब क्या करेंगे एक बार आप अच्छे से खूब समझ लीजिए, अब क्या करेंगे हम, ये तो हमारा जॉइंट ही हो गया, आप मैंने पहले ही बताया मैंने सिंपल बना, आप इस पर डिज़ाइन भी डाल सकते हो, बट ठीक है। अब जैसे इस राउंड में हमको एक राउंड जाली डालना है, एक राउंड में हमको जाली को बुनना है, जाली डालना नहीं है, क्योंकि एक हम इधर से बुनते थे तो एक इधर से सीधी तरफ हम जाली को डालते हैं, उल्टे तरफ हम बुनते हैं, इस बार हमको सब सीधा ही सीधा बुनना है। तो हम क्या करेंगे एक राउंड एक सिलाई में जाली को डालेंगे, दूसरी सिलाई को जाली में हम बुन लेंगे। तो इस प्रकार से दो सिलाई हम बुन लिए, देखिए। तो अब क्या करेंगे यहाँ से जॉइंट करने के बाद हमको 10 सिलाई और बुनने हैं, दो तो बुन लिए, इसके बाद हमको 10 रोज़ और बुनने हैं। 10 रोज़ बुनने के बाद फिर हम आपको बताते हैं कि क्या डिवाइड करना है, क्या करना है। ये 10 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई,
यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सिलाई, दो सिलाई तो हमारी ऐसे ही चली गई, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 10 सिलाई। तो 10 सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमारा टोटल फंदा हो गया 279। तो 279 टोटल फंदे हमारे हो गए। अब देखिए, अब ये देखिए, ये हमारी हो गई बाजू, ये बाजू हो गई, और एक मिनट, ये देखिए ये बाजू हो गई और ये बाजू हो गई, ये हमारे पीछे का पल्ला हो गया और ये हमारा आगे का पल्ला हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब ये देखिए, अब ये देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक हम इस जाली तक बुनेंगे। अब बाजू एक बुनेंगे तो हम अभी यहाँ से यहाँ तक बुन के आपको, अब आप चाहे तो आप इस सिलाई से बुने या हम तो एक्स्ट्रा लेकर बुनेंगे, हम इस सिलाई से बुनेंगे। तो ये देखिए, तो ये देखिए हम जाली तक आ गए, ये जाली भी बुन ली है। अब ये हम बाजू में ले लेंगे जाली, इस जाली से लेकर इस जाली तक का फंदा हम पूरा इस सिलाई में बुन लिए। अब ये हमारा बाजू हो गया, अब यहीं से हम रिटर्न आ जाएंगे। ये देखिए टर्न किया, अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमको पूरा 10 सिलाई बुन के फिर घटाना है, एक इधर घटाना है, एक इधर घटाना है। जब हम बाजू बुनते हैं तो बढ़ाते हैं दोनों तरफ से, अब ये हमारा वहाँ से बुन रहा है गले के पास से, तो इस तो दोनों तरफ से हमको घटाना है। तो फिर ये बाजू पूरा हम कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं, ये बाजू और ये बाजू। ये देखिए मैंने बाजू कंप्लीट कर लिया पूरा, ये देखिए, अब ये देखिए हर 6 सिलाई 7 सिलाई पे एक फंदा इधर से घटाया, एक फंदा इधर से, और ये यहाँ तक घटाए, इसके बाद हम एक भी फंदा नहीं घटाए। अब बॉर्डर ये भी नहीं, एक ये एक उल्टा एक सीधा, इस तरफ भी क्या होता है, ये बॉर्डर जो है स्ट्रेचबल होता है, इसलिए हमने इस बॉर्डर को बनाया है, फंदे को घटाया नहीं है। तो क्या लास्ट में हमारा 48 फंदे हैं सिलाई में, 48 फंदे। जब 48 फंदे हमारा बचा घटाते घटाते, तो हमने घटाना बंद कर दिया, इसके बाद बॉर्डर बनाया, समझ लीजिए। इसके बाद हम आपको उतर ये भी बना लिए और सेम ऐसे ये बाजू भी बना लिए। अब इसे उतारते हैं, अब ये देखिए, देखिए पहले दो फंदे को एक साथ घटाया, ये देखिए, इसके बाद हम ऐसे ही सिलाई में लपेट लेंगे, फिर दो फंदे को एक साथ हुआ। अब ये देखिए, अब इस दोनों फंदे को हम इस फंदे से निकाल देंगे, ये एक हो गया और ये दो, फिर वैसे करेंगे, इस फंदे को लपेटा, फिर दो फंदे को एक साथ बुनेंगे, फिर इसको किया, फिर इसको, फिर वैसे करेंगे, धागे को लपेट के दो फंदे को एक साथ, फिर इस फंदे को, फिर इस फंदे को, ये इसी प्रकार से हम सारे फंदे को उतार देंगे। तो देखिए हो गया, फंदा हमने उतार लिया, इसको हम काट लेते हैं। ये देखिए, ऐसे उतारने से क्या होता है, यहाँ हमारा पता भी नहीं चलता कि कैसे उतारा, ये उल्टे की तरफ हो गया और ये सीधे की तरफ। अब क्या करेंगे, इस बाजू को भी और इस बाजू को भी हम सिल लेते हैं। अब ये देखिए, बाजू भी मैंने सिलकर कंप्लीट कर दिया। अब ये एक बार देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए, 10 सिलाई मैंने यहाँ भी ना, 10 सिलाई के बाद मैंने ब्लैक कलर और ये दोनों कलर का
और यदि 12-12 सिलाई बिने हैं, 6 इसका और 6 इसका, तो 60 सिलाई हमने यहाँ तक बिने हैं, और ये 65 सिलाई और 65, ये 10 75 75, और ये 10 फंदे का मैंने बॉर्डर बुना है। एक बार और देख लीजिए पूरे बाजू की लेंथ हमारी, पूरे बाजू की रो कितनी सिलाई मैंने बनाई है, 10 सिलाई की तो मैंने बॉर्डर बनाई है और 10 सिलाई मैंने यहाँ बनाई है, 10 10 20, और 65 सिलाई रोज, 65 रोज, 65 सिलाई यहाँ से यहाँ तक, मतलब तो टोटल 85 रोज मैंने बाजू में बनाया है, इस बाजू में और इस बाजू में, तो हो गया। अब एक बार और आप ध्यान से देख लीजिए, अब इसके बाद आप आगे का पल्ला, ये तो पीछे का है, और ये जो खुला हुआ जहाँ हम बटन और लगाएंगे, ये हमारा आगे का। तो अब जैसे मैंने बाजू अलग अलग बनाया है, और उसी प्रकार से आप पल्ले को भी बना सकते हो, एक पल्ला आप अलग बनाओ, एक पल्ला आप अलग बनाओ। जैसे अगर आपको ये पीछे वाले पल्ले में ब्लैक नहीं डालना है, सिर्फ एक ही कलर से डालना है, तो अलग बनाओ। लेकिन इसको अब क्या करेंगे, दोनों को एक साथ बनाने से एक फ़ायदा, जो हमारे ये स्ट्रेचेबल होता है, स्वेटर पहनाने में बहुत कंफर्टेबल होता है, अगर एक साथ हम बिनेंगे सर्किल में तो बहुत अच्छा होगा। तो ये देखिए, चलिए अब हम यहाँ से, तो क्या करेंगे, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 10 सिलाई बनाए हैं सिंपल, तो वैसे ही 10 सिलाई इस पर भी हम बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी सर्किल जाके तैयार, अब हमको बस ऐसे ही ऐसे, आप देख सकते हो, ऐसे ऐसे बिनते जाना है। अब कहाँ तक बिनेंगे आप इसको देख लीजिए, 10 सिलाई तो हम ये सिंपल वाली बुनेंगे, जैसे 10 सिलाई यहाँ से यहाँ तक बुने उसको बुनेंगे, इसके बाद 6 6 12 12 रोज, मतलब 10 और 10 20 20 2 22, 22 सिलाई हमको इसी कलर से बिनना है, सेम कलर। इसके बाद हम ब्लैक कलर लगाएंगे, इसके बाद हम इस में जो कैट बनाएंगे बिली, फिर उसे हम आपको बनाना बताएंगे। पहले हमको यहाँ से यहाँ तक 22 सिलाई ऐसे ही सिंपल बुन लेने हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे 22 सिलाई हो गई, 22 रोज कंप्लीट हो गया। यहाँ 12 10 प्लस 12 22, मतलब यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम आपको इसमें कैट बनाना बताएंगे बिल्ली। तो ये देखिए आगे हमारे टोटल 76 फंदे हैं, 76 यहाँ तक, और इसके बाद क्या करना है, किनारे किनारे हमारे 16 16 फंदे हो जाएंगे, जो कान हमको बनाना है उसमें भी 16 फंदे रहेंगे, और 12 फंदे जो हैं हमारे, देखिए 16 प्लस 16, इसके बाद 16 के कान बनेंगे और 12 फंदा हमारा बीच में खाली रहेगा, तो 16 16 16 16 प्लस बीच में 12, इसके बाद हम इसको बनाना बताते हैं। तो अब देखिए ये मैंने ब्लैक कलर के ऊन ले लिए हैं, एक सिलाई मैंने उल्टे की तरफ से डाल लिया है। ये अब हमारे 76 फंदे में पहले हमको 16 फंदे ऐसे ही बुनने हैं, ये देखिए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, तो ये 16 फंदे हमने बुन लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, 16 फंदे का हमको कान बनाना है, तो ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद धागे को आगे ले आएंगे और 16 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ये 16, तो ये 16 फंदे हमने उल्टे बुन लिए।
इसके बाद यहीं से हम रिटर्न आ जाएंगे। ये ध्यान से देखिएगा, अब ये देखिए, अब ये वाली रो हम ऐसे ही बुन लेंगे उल्टा उल्टा। अब ये देखिए हो गया, फिर रिटर्न आ गया। अब यही हमको 16 फंदे बार बार सीधे की तरफ आए। अब एक दो फंदे मुझे, मतलब एक फंदे यहाँ पे घटाने हैं और एक फंदे यहाँ पे घटाने हैं, और उल्टे तरफ हमको कुछ भी नहीं घटाना है, ऐसे ऐसे बुन लेना है। देखिए एक, फिर पूरी सिलाई ऐसे ही बुनेंगे, ये लास्ट के दो फंदे बचे, अब इसको भी हम एक साथ बुन लेंगे। ये हो गए। अब ये देखिए, इस बार इधर भी घटा इधर भी घटा, इस बार हमको इधर नहीं घटाने हैं, इस बार नहीं घटाने, एक बार घटाने, एक बार नहीं घटाने, बट तो जितने फंदे सब हमको लास्ट में एक फंदे कर लेने हैं। तो ये देखिए, ये देखिए, तो हमारा देखिए घटते घटते फंदा एक फंदा हो गया। ये ऐसे ही हम कर देंगे, ये कौन हो जाएगा। तब क्या करेंगे, चाहे आप इस धागे को यहीं तोड़ दो, यहाँ उठा लो, या फिर इसको ऐसे ही धागे से लेके, तो हम दूसरी सिलाई से लेके आते हैं। तो ये देखिए आ गए यहाँ तक। इसके बाद धागे को पीछे कर लेंगे और इस फंदे को सिलाई में ले लेंगे। ये तो एक फंदा आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, एक आ गया और 16 फंदे बने हैं हमारे, तो एक आ गया, 15 फंदे हमको ऐसे ही उठा लेने हैं। ये एक, दो, ऐसे सारे फंदे को हम उठा लेंगे। तो ये देखिए हमारे 16 फंदे फिर सिलाई में आ गए, जिसका मैंने ये बनाया। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 फंदे आ गए। इसके बाद 20 में हमारा 12 फंदे का स्पेस था, 12 फंदे का। इसके बाद हम 12 फंदे बनाएंगे। देखिए 12 फंदे बना लिए। अब जैसे ये वाला कान बनाए हैं, वैसे ही 16 फंदे में हमको यहाँ एक कान और बनाना है। तो ये देखिए कान बन गए कैट के। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए अब हमको ब्लैक कलर से सिंपल सिंपल सीधा जैसे हम बुन रहे हैं वैसे ही पूरा बुन लेना है। कितनी रो, तो 48 सिलाई, मतलब 48 रो। कितनी रो, 48, यहाँ से 48 रो मतलब यहाँ तक आएगा। इसके बाद 5 सिलाई हम ब्लैक बिने हैं, उसको भी हम इसका फिर बना के आपको दिखाते हैं। पहले तो फिलहाल आप 48 रो 48 सिलाई ऐसे ही सिंपल सिंपल बुन लीजिए। देखिए फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बताया था ना कि 48 सिलाई बनाए थे, इसके बाद 15 सिलाई मैंने बॉर्डर बनाए। और ध्यान दीजिएगा, 7 फंदे हमने इधर घटा दिए हैं और 7 फंदे मैंने इधर घटा दिए हैं। ये देखिए
ऐसे कहीं कहीं पर मैंने एक एक फंदे ऐसे घटा दिए हैं, जैसे तीन फंदे चार फंदे बुने, क्योंकि यहाँ पर फंदा ज़्यादा, क्योंकि जब हम कभी नीचे स्टार्ट करते हैं, जब भी जितना फंदा फांदते हैं यहाँ हम बढ़ाते हैं फंदे को, चाहे पाँच सात, तो ठीक इसी प्रकार से हम सात फंदे यहाँ से घटा दिए और यहाँ से, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई। तो कैट बना रहे हैं हम, तब इसके कान तो बना ही लिए हैं साथ में ही, तब इसकी नोज बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई में तीन फंदे डाल रखे हैं, ये देखिए ऐसे हम एक बार सिलाई में लपेट लेंगे, फिर ऐसे बुनेंगे। चार फंदा हो गया, फिर इस बार आए इसको भी ऐसे ही करेंगे, हर बार हम ऐसे ही फंदे को लपेटते हुए जाएंगे। और इधर हमारा फंदा ये देखिए इसको बिन लेंगे, ये तो तीन फंदा था पांच हो गया, ऐसे ऐसे करके हमारा 15 फंदा हो जाएगा। इसके बाद हम उतार लेंगे, ये देखिए 15 फंदा हो गया और इसको हम उतार लिए हैं। ये इसको ऐसे ही हम सिल देते हैं, सिल के इसको ऐसे ही सिल देंगे बीचों बीच, और यहाँ इसका हम मूछ बना देंगे कैट का, फिर हम आपको बना के दिखाते हैं। इसके बाद ये दो आइस लगा देंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया ये स्वेटर का फाइनल लुक। ये देखिए यहाँ भी मैंने 3 बटन्स लगा दिए ब्लैक कलर की। तो फ्रेंड्स ये देखिए बनके कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स पूरा देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है बनने के बाद, ये देखिए। तो फ्रेंड्स आपको ये स्वेटर कैसे लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करें शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय।